फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैंप्स। तो हम स्टडी कर रहे थे इक्विलिब्रियम चैप्टर। सो आज के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने से पहले आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, बिकॉज का यूज होने वाला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। सो लॉ ऑफ मास एक्शन दैट इज प्रपोज्ड बाय टू केमिस्ट, दैट इज कार्टो मैक्सिमिलियन गल्डबर्ग एंड पीटर बागले इन 1864। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमारे पास रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे जो रेट होगा हमारे पास केमिकल रिएक्शन का, वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एक्टिव मास क्या है, लाइक हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन हो रही है उसके अंदर लाइक हमारे पास H2 ये जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो H2 है ये पूरा का पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक्टिव होंगे जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो जो इसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो उसको हम बोल रहे हैं एक्टिव मास। सो एक्टिव मास ऑफ H2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सो एक्टिव मास ऑफ H2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द एक्टिव मास ऑफ H2। ऑलराइट, सो लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छे से स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन A+B दे गिव्स C+D एंड C+D दे गिव्स A+B। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंसीडर कर ली है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन है फॉरवर्ड भी जा रही है एंड बैकवर्ड भी आ रही है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कौन से होंगे, ए एंड बी, बिकॉज यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन ये जा रही है। सो हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हैं, ए एंड बी, और यहाँ पे हमको क्या लेना है, एक्टिव मासेस। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। सो यहाँ पे हमको एक्टिव मासेस भी लेने हैं, सो यहाँ पे हम एक्टिव मास ले लेंगे ए का एंड एक्टिव मास ऑफ बी। ऑलराइट, एंड देन यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। सो RF इज इक्वल्स टू KF एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। सो ये आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो इसको हम डिनोट करेंगे RB से। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अब हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, सो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हो जाएंगे, ये वाले CND, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन इधर से मूव करेगी। सो हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएगा C, सो एक्टिव मास हम ले लेंगे C का एंड D का। एंड इसी तरीके से जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा, सो RB इज इक्वल टू KB CD। सो इस तरीके से हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, सो हम यहाँ से ये जो दो इक्वेशन है यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। सो RF हमारा क्या हुआ, KF A B एंड RB हमारा क्या हुआ, दैट इज KB C एंड D। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को। सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, लाइक हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, सो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन जो है कंसिडर करते हैं, लाइक 2A+ 2B
दे गिव्स 3C प्लस 2D। हमने ये जनरल रिएक्शन जो है ये कंसीडर कर ली। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी एंड ये जो आगे हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ये पावर के अंदर चल जाएंगी। सो ए के पास 2 मोल्स है सो यहाँ पे 2 एंड इसी तरीके से बी के पास 2 मोल्स है सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे सो यहाँ पे आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए रेस टू द पावर 2 बी रेस टू द पावर 2। इसी तरीके से हम यहाँ से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल सकते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट ये हो जाएंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। सो यहाँ पे सी रेस टू द पावर 3 एंड डी रेस टू द पावर 2। जो यहाँ पे हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही पावर में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अब हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के बी सी रेस टू द पावर 3 डी रेस टू द पावर 2। सो अब हमने यहाँ पे देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो अब हमारी जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम इक्वल रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन के बिकॉज यहाँ पे हमारा रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का किसके इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा के एफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के बी सी रेस टू द पावर 3 डी रेस टू द पावर 2। ऑलराइट सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे ये जो के एफ है इसको एज इट इज रहने देंगे एंड के बी को के एफ के नीचे लाएंगे। सो के एफ बाय के बी दिस इज इक्वल टू सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है सी रेस टू द पावर 3 डी रेस टू द पावर 2 एंड ये ए एंड बी जो है यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। सो ए रेस टू द पावर 2 बी रेस टू द पावर 2। सो ये जो के एफ बाय के बी है दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। के एफ एंड के बी को हमने क्या बोल दिया ये एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है दैट इज डिनोटेड बाय के ई इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ऑलराइट सो अब हमारे पास के ई की वैल्यू क्या आ गई यहां से सी रेस टू द पावर 3 डी रेस टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर 2 बी रेस टू द पावर 2। ऑलराइट सो ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एंड यही है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे सो लाइक अगर हम देखें ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है लाइक हमने रिएक्शन जो ली थी दैट इज 2A प्लस 2B दे गिव्स 3C प्लस 2D ये हमारे पास रिएक्शन प्रेजेंट थी स्टार्टिंग में। सो ये सी एंड डी हमारे पास क्या प्रेजेंट है प्रोडक्ट एंड नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है ए एंड बी दैट आर रिएक्टेंट। सो अगर हम केमिकल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहें सो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे सो इसको डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे द रेशियो ऑफ ये हमारे पास प्रोडक्ट प्रेजेंट है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू द पावर
ऑफ देयर स्टिच्योमेट्रिक कोफिशियंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स थी, हमारे पास जो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास स्टिच्योमेट्रिक कोफिशियंट थे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पावर्स के अंदर। सो एट अ गिवन टेम्परेचर, सो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, सो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द कोफिशिएंट ऑफ पावर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। सो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। सो लाइक यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है। सो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब सी एंड डी का प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। एंड यहाँ पे पावर रेज है, जो कि स्टिच्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा वो किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज NH3 प्लस O2 दे गिव्स NO प्लस H2O। सो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, सो यहाँ पे भी N हमारे पास 4 आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12 हो जाएगा। सो अब हमारे पास ऑक्सीजन लेफ्ट रहते हैं, सो यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 4 प्लस 6 10, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे? यहाँ पे इसका निकालेंगे हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। सो के इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकालते हैं? रेशियो ऑफ हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं? प्रोडक्ट। सो NO लिख लेंगे हम सबसे पहले एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? H2O। एंड किसका रेशियो आता है यहाँ पे नीचे? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? NH3 एंड O2। एंड यहाँ पे अब हम कोफिशिएंट लगा देंगे पावर्स के अंदर। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर? NO का 4, यहाँ पे पावर आ जाएगी 4। इसी तरीके से H2O का 6, NH3 के आगे 4 है, सो 4 कोफिशिएंट। इसी तरीके से O2 के अंदर 5। सो ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, सो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये दो तरीके से डिवाइड है। लाइक KE को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं KC की फॉर्म में, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं KP की फॉर्म में। अब इसको हम स्टडी करते हैं। ऑलराइट, सो जो अभी हमने स्टडी किया KE दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इसको अगर हम स्टडी करें इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KC से। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे बात करें वो रिएक्शन जो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और सारी की सारी गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, सो गैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल प्रेशर के अंदर। अगर हम इसको पार्शियल प्रेशर के अंदर रिप्रेजेंट करें सो इसको हम डिनोट करेंगे KP से। ऑलराइट,
सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस, लाइक हमने स्टडी किया था N2 प्लस 3H2 दे गिव्स 2NH3, ऑलराइट। यहाँ से अगर हम केसी की, अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में अगर निकालना चाहें, तो ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। सो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में अगर निकालेंगे इन कंसंट्रेशन, सो हम इसकी केसी को रिप्रेजेंट करेंगे केसी से, तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट NH3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट N2 एंड H2, एंड यहाँ पे हमारे पास जो आगे कोफिशिएंट लगे होते हैं इसको हम पावर्स में ऐड कर देते हैं। सो यहाँ से 2, यहाँ पे N2 1 एंड 3H2, सो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगी हमारी केसी की वैल्यू। अगर इसी तरीके से हमको ये गैसियस फॉर्म के अंदर निकालना हो तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं गैसियस सिस्टम के लिए, गैसियस सिस्टम के लिए। सो हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली, ए ए प्लस बी बी दे गिव्स सी सी प्लस डी डी, ऑलराइट। सो ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंसीडर कर ली। यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है या जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो सारे गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सो इसको अब हम ट्रांसफॉर्म या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। सो ए बी सी डी, सो ए के ऊपर जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी ए, बी के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी बी, इसी तरीके से सी के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी सी, एंड डी के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी डी, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया था एंड यहां से हमने वैल्यू निकाली थी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सो उसी तरीके से इसको भी यहां पे अप्लाई करेंगे, बस वहां पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, ऑलराइट। सो हम जो के ई है इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम प्रोडक्ट एंड नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट। सो इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले केपी से इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, सी बन रहा है, बट यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लेंगे। सो सी के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, पी सी, सो पी सी इंटू पी डी डिवाइडेड बाय पी ए एंड पी बी, ऑलराइट। एंड यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट थे ये कहाँ चले जाएंगे, पावर्स के अंदर, सो सी की पावर सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी। सो इस तरीके से हम केपी को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमारे पास हैबर्स प्रोसेस था जिसके ऊपर हमने केसी इन कंसंट्रेशन फॉर्म में लगाया, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें केपी की फॉर्म में तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन पार्शियल प्रेशर, इन पार्शियल प्रेशर। सो ये हमारे पास रिएक्शन है, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केपी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे ऊपर हमारे पास क्या आता है रिएक्टेंट, सो रिएक्टेंट हमारे पास क्या प्रेजेंट है NH3, सो NH3 को हम किस तरीके से लिखेंगे, प्रेशर ऑन NH3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं रिएक्टेंट, सो प्रेशर ऑन N2, प्रेशर ऑन N2 प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑन H2, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, NH3 के ऊपर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2, सो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम केपी को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलराइट। सो अभी हम यहाँ पे निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। KP and KC, alright।
दे गिव्स N1A N2B. Alright, so इसके लिए इस general reaction के लिए अब हम क्या find out करेंगे KP and KC. So सबसे पहले अगर हम concentration की form में लिखें, so KC की क्या value हो जाएगी यहाँ से? KC की हमारे पास value हो जाएगी. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? Product active masses के अंदर and नीचे हम लिखते हैं reactant. So reactant है A and B. एंड देन ये जो हमारे पास कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं ये पावर्स के अंदर, सो सी के ऊपर एम वन, डी के ऊपर एम टू, यहाँ पे एन वन एंड एन टू. सो ये हो गई हमारी केसी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं. इसी तरीके से अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर में इसको किस तरीके से लिखेंगे? प्रेशर ऑन सी, प्रेशर ऑन डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर ऑन बी. एंड यहाँ पे पावर्स आ जाएंगी एम वन एम टू एन वन एन टू. ऑलराइट, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन, तो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होती है. अब हम क्या करेंगे, इस V को यहाँ पे N के नीचे ले जाएंगे. सो P इज इक्वल टू N बाय V R T. एंड हमको पता है N बाय V क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम. N बाय V दैट इज कंसंट्रेशन. सो N बाय V कंसंट्रेशन हो जाएगा. सो N बाय V को हम रिप्लेस कर देंगे C से. तो यहाँ से P क्या आ जाएगा हमारे पास? C R T. ऑलराइट, सो अब हम P को A की फॉर्म में ले सकते हैं, B की फॉर्म में ले सकते हैं, लाइक पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी, पी सी इज इक्वल टू सी सी आर टी, पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी. सो अब हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है इसको हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर. सो अब हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं. So, यहां से KP की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे हम PC की वैल्यू पुट करते हैं. सो CCRT, CCRT एंड इसकी पावर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? M1. एंड प्रोडक्ट में हमारे पास प्रेजेंट है PD. सो PD यहां से क्या होगा? CD RT रेस्ट टू द पावर M2 डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है PA. तो पी ए हमारे पास प्रेजेंट है सी ए आर टी रेस्ट टू द पावर एन वन इंटू सी बी आर टी रेस्ट टू द पावर एन टू. अब हमारे पास ये आ गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर टी जो है हमारे पास कॉमन है ऊपर भी एंड नीचे भी. सो आर टी को हम कॉमन निकाल लेंगे. सो क्या हो जाएगा? सी सी रेस्ट टू द पावर एम वन, सी डी रेस्ट टू द पावर एम टू डिवाइडेड बाय सी ए रेस्ट टू द पावर एन वन, सी बी रेस्ट टू द पावर एन टू. एंड यहां से ऊपर से हमारे पास आर टी आया है, आर टी रेस्ट टू द पावर एम वन प्लस एम टू, बिकॉज ये जो पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट इनका जो है समीशन हो जाएगा. इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है? आर टी प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे पावर्स क्या है? एन वन एन टू. सो ये प्रोडक्ट में थी, सो यहाँ पे इसका सम हो जाएगा. ऑलराइट, सो आर टी की पावर क्या आ गई? एन वन प्लस एन टू. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और. सो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास केपी की जो वैल्यू आएगी दैट इज सी सी रेस्ट टू द पावर एम वन, सी डी रेस्ट टू द पावर एम टू, सी ए रेस्ट टू द पावर एन वन, सी बी रेस्ट टू द पावर एन टू. एंड अब हम क्या करेंगे, आर टी आर टी बेस कॉमन है एंड ये पावर जो है ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी. सो आर टी रेस टू द पावर एम वन प्लस एम टू माइनस एन वन प्लस एन टू. सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, ये कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सी की, मतलब यहाँ पे हमारे पास गैस प्रेजेंट है. सो यहाँ
यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, गैस की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास P इज इक्वल टू सी आर टी है, सो P इज इक्वल टू गैस आर टी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे हमारे पास गैस कौन सी प्रेजेंट है, सी, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास सी ही प्रेजेंट है। सो KP इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सी रेस टू दी पावर एम वन, एंड इसको हम लिख सकते हैं डी रेस टू दी पावर एम टू, एंड यहाँ पे ए रेस टू दी पावर एन वन, बी रेस टू दी पावर एन टू, एंड यहाँ पे साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आर टी रेस टू दी पावर, इसको हम लिख देते हैं डेल्टा एन जी। ऑलराइट, सो यहाँ पे डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है दैट इज एम वन प्लस एम टू माइनस एन वन प्लस एन टू। ऑलराइट, सो अब हम अगर देखें ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल है, अभी हमने स्टडी किया था ये है केसी के इक्वल, अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, अब फर्स्ट इक्वेशन को अब हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है केपी, यहाँ पे आ जाएगा केसी, बिकॉज ये वैल्यू है केसी की, अगर हम देखना चाहें ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट, सो केसी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर टी डेल्टा एन जी। ऑलराइट, सो ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम जो है प्रेजेंट है, होमोजीनियस सिस्टम मतलब जिसके अंदर हमारे पास जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है या फिर प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो सारे के सारे हमारे पास एक ही फेज में प्रेजेंट है, लाइक H2 प्लस I2। सो सबसे पहले हम यहां पे स्टडी करते हैं होमोजीनियस सिस्टम, सो इसको जब हम स्टडी करते हैं H2 जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है प्लस I2 ये भी हमारे पास गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड ये फॉर्म करेंगे 2HI, एंड ये भी हमारे पास गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अब हम यहां से क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं केसी की वैल्यू, अगर हम केसी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा HI दैट इज प्रोडक्ट एक्टिव मासेस, एंड नीचे H2, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा I2। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 HI के ऊपर। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें इस रिलेशन से केपी एंड केसी के बीच का रिलेशनशिप तो वो भी निकाल सकते हैं, और हम इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी, ये रिलेशनशिप होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा एन जी, सो यहाँ पे डेल्टा एन जी हम कैसे निकालते हैं, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। सो यहाँ पे हमारे पास m1 की वैल्यू है 2, m1 प्लस m2, सो 2 प्लस यहाँ पे m2 है ही 0, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, n1 प्लस n2 हमारे पास क्या है 1 प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे 1 एंड 1 हमारे पास ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 दैट इज 0। अगर यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर जीरो होती है सो केपी एंड केसी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी। ऑलराइट, अगर यहाँ पे डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव होती है सो यहाँ पे केपी की जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन केसी, एंड थर्ड केस ये होता है अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है सो यहाँ पे केपी जो होगा लेस देन होगा केसी से। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आई है 0, सो इस रिलेशनशिप से हम देखते हैं अगर 0 आई है सो केपी किसके इक्वल होगा केसी के। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं इसकी हेल्प से, सो ये आ गई हमारी केसी की वैल्यू, ये आ गई, अब हम केपी निकालते हैं, सो केपी को अगर हम लिखेंगे सो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू यहाँ पे हम डायरेक्ट CRT लिख देते हैं, N by V इज इक्वल टू C,
सो अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, इसको हम गैस आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे गैसेस लिखेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास गैस कौन सी प्रेजेंट है, एच आई। सो पी एच आई को हम क्या लिख सकते हैं, एच आई, ये हमारे पास गैस हो जाएगी एंड यहाँ पे आर टी। सो इसी तरीके से पी एच टू, सो यहाँ पे आ जाएगा एच टू आर टी एंड पी आई टू, सो यहाँ पे आ जाएगा आई टू आर टी। ऑलराइट, सो अब इन तीनों को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, एच आई आर टी। सो यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे एच आई का स्क्वेयर एंड आर टी का स्क्वेयर। ऑलराइट, सो अब हम एच टू पी एच टू की वैल्यू पुट करते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा एच टू एंड इसके साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आर टी। ऑलराइट, सो यहाँ पे आर टी आ जाएगा इंटू यहाँ पे आई टू एंड आर टी। सो यहाँ पे आर टी का स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे भी, बिकॉज दो आर टी है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, एच आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच टू एंड आई टू। सो जब हम इन फर्स्ट इक्वेशन को, दैट इज दिस के सी एंड ये हमारे पास के पी की वैल्यू आ गई, सेकेंड इक्वेशन को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सो ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेम प्रेजेंट है। सो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे KP एंड KC के बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट इज KP इज इक्वल टू KC। और अगर हम डायरेक्ट निकाला था तो अभी हमारे पास यही रिलेशनशिप आया था। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बीच भी हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। लाइक हमने हैबर्स प्रोसेस स्टडी किया था, सो अभी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। सो हैबर्स प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एन टू प्लस थ्री एच टू दे गिव्स टू एन एच थ्री। सो इसके अंदर अगर हमको केसी की वैल्यू लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, लाइक यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट एन एच थ्री एक्टिव मास डिवाइडेड बाय एन टू एक्टिव मास एच टू एक्टिव मास एंड कोफिशिएंट जो है पावर्स में लिखते हैं, सो एन एच थ्री के ऊपर टू वन एंड थ्री। सो अगर हमको यहाँ से के पी लिखना है सो हम किस तरीके से लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑन एन एच थ्री रेस टू द पावर टू डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑन एन टू पार्शियल प्रेशर ऑन एच टू रेस टू द पावर थ्री। अब हम यहाँ पे लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ऑलराइट, सो यहाँ से आ जाएगा पी इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू गैस आर टी। सो यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रेशर ऑन एन एच थ्री गैस, सो पी ऑन एन एच थ्री, सो यहाँ पे कौन सी गैस आएगी, एन एच थ्री गैस एंड आर टी। पी ऑन एन टू, सो यहाँ पे आ जाएगा एन टू आर टी। इसी तरीके से प्रेशर ऑन एच टू, सो यहाँ पे आ जाएगा एच टू गैस एंड आर टी। अब ये जो वैल्यू है तीनों हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन एच थ्री एंड यहाँ पे स्क्वेयर भी है, सो स्क्वेयर एंड आर टी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन टू एंड आर टी इंटू एच टू एंड आर टी का, यहाँ पे एच टू के ऊपर क्यू आ जाएगा एंड आर टी के ऊपर भी क्यू आ जाएगा। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, के पी इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री एंड वन पावर है आर टी की, सो यहाँ से पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी बिकॉज ये प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, सो एन एच थ्री रेज टू द पावर टू डिवाइडेड बाय एन टू एच टू रेज टू द पावर थ्री एंड आर टी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, पावर फोर हो जाएगी नीचे एंड ऊपर हमारे पास आर टी की वैल्यू कितनी है, आर टी की पावर टू। अब ये डिवाइड में प्रेजेंट है बट बेस जो है वो सेम है, सो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सो ये ऊपर चली जाएगी पावर, सो ये ऊपर जाएगी तो माइनस फोर आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से के पी की वैल्यू क्या आएगी, के पी इज इक्वल टू एन एच थ्री टू डिवाइडेड बाय एन टू
एच टू थ्री इन टू आर टी रेस टू दावर माइनस टू बोले। और ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू है, केसी की, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन से यहां से केसी हम डाल देंगे, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी माइनस टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेस टू दावर डेल्टा एन जी। एंड डेल्टा एन जी को हम कैसे निकालते हैं, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। सो यहाँ पे डेल्टा एन जी की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, M1 हमारे पास कितना है 2 एंड M2 की वैल्यू 0, सो 2 माइनस N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1 एंड N2 की वैल्यू है 3। सो 2 माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, सो माइनस 2 ये डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट करेंगे सो KP इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेस टू द पावर माइनस टू। सो ये जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, और अगर हम इसको सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो भी सेम आ रहा है। सो ये जो रिलेशन होगा KP एंड KC के बीच का, दैट इज KP इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। ऑलराइट, सो अभी हम देखने वाले हैं, ये हमने देखा होमोजीनियस सिस्टम के अंदर, अभी यही हम देखने वाले हैं हिट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर। सो हिट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है लाइक इसके अंदर हमारे पास फेजेस क्या थे, सेम प्रेजेंट थे, लाइक ये गैस फेज में प्रेजेंट थे तीनों चीजें हमारे पास, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे पास गैस फेज में प्रेजेंट थे। लेकिन हिट्रोजीनियस सब्सटेंसेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट होंगे वो डिफरेंट फेज या डिफरेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहां से हम स्टडी करते हैं हिट्रोजीनियस सिस्टम। सो लाइक हम कंसीडर करते हैं हिट्रोजीनियस सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट होंगे। सो इसके अंदर हम ये बोलते हैं जो हमारे पास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, सो इसकी इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ये क्या होती है कांस्टेंट। मतलब अगर हम बोलना चाहें अगर हमारे पास प्योर सॉलिड या फिर हमारे पास प्रेजेंट हो प्योर लिक्विड, सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी यूनिटी, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास होगी वन। लाइक हम एग्जाम्पल देखते हैं इसको, हमारे पास प्रेजेंट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा CaO प्लस CO2 गैस। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये CaO है ये सॉलिड फॉर्म में है एंड CO2 गैसेस फॉर्म में है। अब अगर हम यहाँ से KC नोट डाउन करें तो क्या होगा CaO CO2 एंड डिवाइड में क्या होगा CaCO3। अगर होमोजीनियस फेज होता, अगर ये सारे हमारे एक ही फेज में होते तो हम ऐसे लिख देते, बट यहाँ पे हमने बोला अगर हमारे पास कोई प्योर सॉलिड प्रेजेंट है तो वहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी यूनिटी। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे वन, एंड यहाँ पे भी हम वन पुट करेंगे। सो यहाँ से KC की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एक्टिव मास ऑफ CO2। इसी तरीके से यहाँ से KP की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑन CO2। ऑलराइट, इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स देखते हैं हिट्रोजीनियस सिस्टम के। लाइक सेकंड एग्जांपल इज Fe3 पॉजिटिव, ये हमारे पास प्रेजेंट है अक्वस आयन में, प्लस OH नेगेटिव आयन ये भी अक्वस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, एंड ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं FeOH थ्राइस। तो हम यहाँ से इसको बैलेंस कर देते हैं। सो यहाँ से अगर हम KC की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगी, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास फॉर्म होगा सॉलिड फॉर्म में, ऊपर हम लिखते हैं हम प्रोडक्ट FeOH थ्राइस डिवाइड बाय Fe3 पॉजिटिव, एंड नीचे हम लिखते हैं OH नेगेटिव रेस टू द पावर 3।
अब हम देखेंगे ये FeOH थ्राइस जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो इसको हम रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगी हमारी KC की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, I प्लस F2, तो ये हमारे पास बनाता है IF5, ऑलराइट, तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम बैलेंस आउट कर लेते हैं, सो बैलेंस करेंगे, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड यहाँ पे 2i plus 5i 5f2 दे गिव्स IF5, ऑलराइट, सो आयोडीन जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फ्लोरीन हमारे पास गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड IF5 हमारे पास गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। So, यहां से अगर हम केसी की वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट IF5 एंड रेस टू द पावर 2 डिवाइड बाय, हम नीचे लिखते हैं यहां पे रिएक्टेंट I रेस टू द पावर 2 एंड यहां पे इसको हम I2 की फॉर्म में लेते हैं, सो यहां पे I2 आ जाएगा, देन यहां पे हमारे पास आ जाएगा F2 रेस टू द पावर 5। अब ये I2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज I2 हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सॉलिड, I2 हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, सो ये आ जाएगी हमारी KC की वैल्यू। और एग्जांपल देखते हैं, सो NOCl के लिए देख लेते हैं, NOCl दे गिव्स NO प्लस Cl2, So, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो यहाँ से केसी की वैल्यू क्या होगी, ये गैसेस फॉर्म में है हमारे पास, ये भी हमारे पास गैस है एंड ये भी हमारे पास गैस है, सो यहाँ से केसी की वैल्यू क्या होगी, ये सारे हमारे पास गैसेस फेज में है, सो ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट NO रेस टू द पावर 2 Cl2 डिवाइड बाय NOCl रेस टू द पावर 2, तो ये आ जाएगी केसी की वैल्यू। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पे, CuNO3 ट्वाइस, सो दे गिव्स CuO प्लस NO2 प्लस O2, CuNO3 ट्वाइस, ये जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, CuO जो है हमारे पास सॉलिड है एंड NO2 हमारे पास गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड ऑक्सीजन भी हमारे पास गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सो सबसे पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सो 2 Cu, यहाँ पे भी हम 2 से कर देते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कितने हुए, 2 2 जब 4, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 एंड ऑक्सीजन हमारे पास 6 2 12, सो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, सो ये इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो गई है, तो यहाँ से अगर हम केसी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी, CuO रेस टू द पावर 2 NO2 रेस टू द पावर 4 O2 रेस टू द पावर 6 डिवाइड बाय CuNO3 ट्वाइस रेस टू द पावर 2, ऑलराइट, सो CuO रेस टू द पावर 2, CuO हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सॉलिड, सो इसको हम रिमूव कर देंगे एंड नीचे जो ये हमारे पास CuNO3 ट्वाइस है, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, सो KC की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो KC इज इक्वल्स टू दिस। सो इस तरीके से हिटरोजीनियस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर प्रेजेंट है, सो उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है, सो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं केपी एंड केसी की यूनिट्स क्या है, सो जो केपी एंड जो हमारे पास केसी है, इसकी वैल्यू, इसकी जो यूनिट्स है वो डिपेंड करती है डेल्टा एनजी की वैल्यू पे, डेल्टा एनजी की वैल्यू पे। अगर हम बोले कि हमारे पास जो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन अगर हमारे पास इक्वल है, सो यहाँ पे हमारे पास केपी एंड केसी की कोई भी यूनिट्स नहीं होगी, मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 प्रेजेंट है, सो केपी एंड केसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, केपी एंड केसी हैव नो यूनिट्स,
ऑलराइट, सो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. 2NO दे गिव्स N2 प्लस O2. ऑलराइट, सो यहां से अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा Ng, सो क्या होता है, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2. सो डेल्टा Ng की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, लाइक M1 यहां पे 1 है, 1 प्लस 1 माइनस यहां पे हमारे पास M1 की वैल्यू है 2 एंड M2 की वैल्यू 0. सो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0. सो यहां पे जो हमारे पास Kp एंड Kc होगी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी. अगर हम बात करें यहां पे Kp एंड Kc, अगर यहां पे हमारे पास जो रेट है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिपेंड करेगी डेल्टा Ng की वैल्यू के ऊपर. अगर लाइक हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म में, तो यहाँ पे जो यूनिट्स होगी दैट इज मोल्स पर लीटर रेस टू द पावर डेल्टा Ng. एंड अगर हम बात करें Kp की फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में, तो यहाँ पे इसकी यूनिट होगी एटमोस्फेयर डेल्टा Ng, इसकी हो जाएगी पावर. लाइक हम निकालते हैं NOCl एग्जांपल ले लेते हैं. NOCl, सो दे फॉर्म 2NO प्लस Cl2. ऑलराइट, सो यहां से डेल्टा Ng की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस 1 3 M1 प्लस M2 माइनस N1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2. सो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1. सो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई 1. सो हमारे पास यूनिट क्या होगी, यूनिट हमारे पास Kc की होगी. यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे डेल्टा Ng की जगह, सो हमारे पास यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर. और Kp की अगर वैल्यू बोलेंगे सो एटमोस्फेयर. इसी तरीके से हम अदर्स रिएक्शन की जो है यूनिट्स भी निकाल सकते हैं. सो कैसे निकालेंगे, लाइक हैबर्स प्रोसेस की बात करते हैं हम, N2 प्लस H2 दे गिव्स 2NH3. ऑलराइट, सो यहां से डेल्टा Ng की हम वैल्यू निकालते हैं. सो किस तरीके से निकलेगी, 2 माइनस यहां पे 3H2 आएगा, 3 प्लस 1 4. सो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -2. ऑलराइट, सो ये हम पुट कर देंगे. सो Kc की यूनिट क्या आ जाएगी यहां पे हमारे पास, Kc की यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर रेस टू द पावर -2 एंड Kp की वैल्यू क्या आएगी, एटमोस्फेयर रेस टू द पावर -2. सो इस तरीके से हम Kc एंड Kp की वैल्यू यूनिट्स जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. होप ये जो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा. इनके बीच में जो Kp एंड Kc के बीच का जो रिलेशन था वो समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.